बनता है, एक बार ही बनता है। एक जन्म भाई है, एक जन्म भाई होता है जो माँ देती है हमें, और एक ये धर्म भाई है जो वो खुद से बने हैं हमारे। ऐसे भाई बार बार बदलते हैं तो 36 भाई पड़े हैं दुनिया में। एक छोड़ दूसरा पकड़ो, दूसरा छोड़ तीसरा पकड़ो, फिर वो भाई नहीं होता है। सब एक वो टेक देखिए, हाँ बहन हुई, ये मेरी भांजी, ये मेरी बहन है। कभी कांग्रेस वालों के मुँह से सुना क्या आपने ये चीज़? नहीं सुनी, ना सुन सकते आप। भाई को ही देंगे, क्यों देंगे? कि वो हमेशा साथ रहेंगे हमारे, भले ही वो लॉलीपॉप हमें नहीं दे रहा है, एक बार वो नहीं भी जीतेंगे ना तब भी वो हमारा साथ देंगे। कमल पे ही वोट देंगे अपने, शिवराज सिंह ही आएंगे मामा जी। अच्छा हाँ, वो लेडीजों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और अच्छा है। कमलनाथ ने कुछ नहीं करा हमारे लिए, नहीं करा, बस वो बोलते हैं करते कुछ नहीं है। बहन आपका क्या कहना है, क्या भाई को वोट करेंगे या किसी और को? उन्हीं को वोट करूंगी मैं तो। किसको? शिवराज सिंह चौहान जी को। देखो ये आपके पड़ोस में बैठी हुई है, देखिए हमारी अपनी निजी आवश्यकता से ऊपर जो है सामाजिक सुरक्षा है, प्रदेश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा है। कौन हमारे देश का विकास कर सकता है? हमें केवल जो है, ये तो जानवर भी सोचता है कि मुझे खाना है, अपना पेट तो बहुत बड़ा, और आवश्यकताएं असीमित हैं। वो कह रहे हैं कि ये भाई से जो है दूसरा भाई, वही खुद थोड़ी ना कर सकते, खुद भी कदम उठाना पड़ता है। सिर्फ वही थोड़ी ना कर सकते हैं कि वो बोले खाना वो ने रख दिया, वो खाना तो खुद को ही पड़ेगा ना। वो थोड़ी ना वो आपको एक एक निवाला डाल के देंगे कि ली खाइए आप, वो खुद को ही खाना पड़ेगा। वो आपको सुविधा दे सकते हैं, उसका लाभ आपको उठाना है। वो हर एक को नहीं बोल सकते आइए ये सुविधा हमने चालू करी है आप इस, वो आपको ही बढ़ के लेना आएगा। इनका कहना है कि हमें मिल तो रहा है लेकिन इनसे भी ज़्यादा कोई और देगा तो हम उसको, हम तो शिवराज उनको ही देंगे। हाँ हमारा तो जो है, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है उनके प्रतिद्वंदी पार्टी है, लगातार उन पर तंज कसती है कि मामा 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 जो है, देखो 1000 रुपए दिए तो उनने बोला हम 1500 देंगे, कल के दिन वो 1500 देंगे तो वो 2000 पुत्र आएंगे। तो ये तो एक वो हुई ना प्रतिद्वंदी टाइप की, कि मतलब कि अगर ये हमको 1 रुपए दे रहे हैं हम 10 को खरीदने वाली बात हो गई ना, ये तो एक नॉर्मल से, हाँ ये तो एक खरीदने वाली बात हो गई कि वो 1500 दे रहे हैं हम आपको 2000 देंगे। और वो जनता पागल है जो 2000 देख के बिक जाती है। क्यों 1500 दे रहे थे तब तब वो कहाँ गए थे, कहाँ गए थे 1000? आज उन्हें देखिए 1000 मिलने लगे तो हम 1500 दे देंगे, इसके पहले क्यों नहीं दिए? देना चाहिए था ना, अगर इतना ज्यादा सोच रहे थे तो इसके पहले क्यों नहीं दिया उन्हें? देना चाहिए था ना, तब पास हो रहे थे वो। सबसे बड़ी बात है सम्मान की बात करते हैं, हर मन से कहते हैं कि मेरी बहन है, अब मैं प्रदेश में एक से प्रकार वो टेक देखिए, हाँ बहन हुई, ये मेरी भांजी, ये मेरी बहन है। कभी कांग्रेस वालों के मुँह से सुना क्या आपने ये चीज? नहीं सुनी, ना सुन सकते आप। कांग्रेस तो ये कर, देखो दिग्विजय सिंह ने पता क्या बोला, दिग्विजय सिंह ने बोला ये नौटंकी हो रही है जो कन्या पूजन पे, तो आपको लगता है कि कन्या पूजन को नौटंकी कर रहे हो ये? अगर वो नौटंकी कर रहा है, मान लिया हमने ये चीज़ वो नौटंकी, तो आप भी अब उनको देख के 1500 हम 500 में सिलेंडर, ये भी नौटंकी हुई ना एक तरीके की, क्या हुआ ये नौटंकी है ना? आप भी तो वही कर रहे हो भाई, राजनीति है ये तो, राजनीति में आने के लिए और अपनी सत्ता चलाने के लिए हर कोई नौटंकी। लेकिन लेकिन भांजी ये कन्या पूजन जो है हमारे सनातन का जो हमारी परंपरा है, तो कन्या पूजन को वो जो है नौटंकी, वो चीज़ उन्हें करी नहीं तो वो क्या समझेंगे उस चीज़ को, कन्या पूजन वो क्या समझेंगे इस चीज़ को? जब राम की बात आती है, मंदिर की बात आती है, तब कहते हैं हम भी तो हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, लेकिन जब कन्या पूजन की बात आती है हो गए, अभी तक कहाँ गए, सो रहे थे क्या वो हिंदू? एकदम से हिंदू हो गए, वाह धन्य है फिर ऐसे तो हिंदू। क्या लगता है आपको कि क्या ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने घोषणा की पूरी हुई ना होंगी? नहीं हो सकती, अगर होनी होती तो अभी तक हो चुकी होती, थोड़ा बहुत तो होता, कुछ तो होता। अब एकदम से वो 1500 भी दे देंगे, सिलेंडर भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे वो, तो इसके पहले क्यों नहीं किया, करना चाहिए ना। एक सोच जो मामा की सोच है, ये भाई की आपकी सोच है, आप उसका सम्मान करते हैं, और आगे मामा को जो है कितना विश्वास करेंगे आगे भविष्य में आप? 101%। ऐसा तो नहीं है जैसे आपकी पड़ोस की बहन कर रही है कि दूसरा भाई आएगा मुझे जो है उससे भी बेहतर करेंगे, मैं उसको सपोर्ट करूंगी, क्या उनकी सोच? एक बार ही बनता है, एक बार ही बनता है, एक जन्म भाई है, एक जन्म भाई होता है जो माँ देती है हमें, और एक ये धर्म भाई है जो वो खुद से बने हैं हमारे। ऐसे भाई बार बार बदलते हैं तो 36 भाई पड़े हैं दुनिया में, एक छोड़ दूसरा पकड़ो, दूसरा छोड़ तीसरा पकड़ो, फिर वो भाई नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है उनकी अपनी सोच है, उनको सोच है, और उस सोच का जो है लोग अनुकरण करेंगे, जो सोच उनके अंदर में आई है आप उनका सम्मान करते हैं? हाँ करती हूँ मैं सम्मान। थोड़ा सा हाँ बताइए, आप तो कह रहे थे कि मैं तो बदल दूंगा ये करूँ, इसलिए हमने सोचा कि आप उनकी तरफ से हो इसलिए। यही तो नकली बात मत करो, आपके अंदर में क्या बात हो रही है, आत्मा आपकी क्या कर रही है उससे बात करो, हम किसी की तरफ से नहीं होते हैं। तो भाई को ही देंगे, क्यों देंगे? कि वो हमेशा साथ रहेंगे हमारे, भले ही वो लॉलीपॉप हमें नहीं दे रहा है, एक बार वो नहीं भी जीतेंगे ना तब भी वो हमारा साथ देंगे। तो ऐसे नहीं।
मामा हमेशा बहनों की बात करते हैं, अब समय आ गया मामा का दोबारा से जो है परिवर्तन का या सरकार बदलने का, या आप क्या चाहते हैं? फिर वोटिंग होगी 17 तारीख को, किसको वोट करेंगे आप और क्या कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन पार्टी ठीक है? कमल पे ही वोट देंगे, अपने शिवराज सिंह ही आएंगे मामा जी। अच्छा, हाँ वो लेडीजों के लिए बहुत कुछ कर रहा है और अच्छा है। लेडीजों के लिए, बहनों के लिए बात करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी बहन है, मैं प्रदेश नहीं जो है परिवार चला रहा हूँ। सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं वो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, भांजियों के लिए, तो क्या ये सच है? क्योंकि लगातार जो है विपक्ष जो है उनको जो है तंज कसता है कि ये सब चुनावी पुलिंदे हैं। नहीं, ये सब सही है और अच्छा कर रहे हैं बहनों के लिए, वो बहुत सुविधाएं भी दे रहे हैं और अब के सही कमल ही जीतेगा। कमल ही जीतेगा जी। और मुख्यमंत्री कौन चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री मोदी जी। मोदी जी अपने नहीं, मोदी जी तो देश में जो है ये प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यहाँ के मुखिया जो है, क्या आप मामा को चाहिए, भाई को? अपने शिवराज मामा जी। शिवराज मामा आपके तो भाई हुए ना? हाँ, हमारे भाई हुए और बच्चों के तो मामा हुए। कमलनाथ जी कह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम महिलाओं को और भी बेहतर सुविधा देंगे, तो बीच में इनकी जो है इन्होंने घोषणा की थी पिछली बार और इन्होंने बोला था हम जो है 15 दिन में जो है सारी सुविधाएँ देंगे, आपको लगा कि इनकी जब सरकार आई थी इन्होंने किया था? कमलनाथ ने कुछ नहीं करा हमारे लिए, नहीं करा, बस वो बोलते हैं करते कुछ नहीं है। कुछ योजनाएं बंद करी थी उन्होंने, ऐसा लगा आपको ये योजनाएं बंद करी जब उनकी सरकार आई थी? अब इसका तो इतना ज़्यादा वो नहीं है मुझे, मगर जो है कि वो कुछ नहीं करते, जो भी करते अपने शिवराज भैया ही करते हैं जी। कमलनाथ जी कुछ नहीं करते। दिग्विजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कहते हैं हम इनसे भी बेहतर सुविधा देंगे। कुछ नहीं देते, बस बोलते हैं, बाकी करते कुछ नहीं है वो। आपको मामा पे ही भरोसा है? जी, हमारे शिवराज भाई पे ही भरोसा है और वो ही जीतेंगे और यही चलेगा। आपका क्या शुभ नाम है? राजेश। देखो देखो राजेश जी, जरा इधर को आ जाइए। ये बहनों को हम पूछ रहे थे, लेकिन आपके यहाँ 17 तारीख को मतदान होने वाला है, ये सरकार लगातार जो है काम कर रही है और विपक्ष जो है हर मुद्दे पे जो है तंज दे रहा है, क्या लगता है कितना काम हुआ है इन 5 सालों में, और 18 साल लगातार जो है मुख्यमंत्री मामा रहे, शिवराज जी रहे, क्या कहना है आपका, आगे क्या होने? देखिए, सरकार बीजेपी जो थी अभी तक बहुत बढ़िया थी, बहुत काम किए उन्होंने। हमारे क्षेत्र के विधायक बिस्बा सारंग जी रह चुके हैं, अभी भी वही हैं, हम चाहते हैं कि वही आए। सरकार जिस तरह चल रही है उस तरह चलती रहे, सभी का भला हो रहा है तो आने वाले समय में सबका भला होगा। अभी तक पहले से 10 साल पहले 20 साल पहले जो हुआ करता था उससे लाख गुना अभी कंडीशन ये है, बहुत सही काम हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। आपके आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और उनके बड़े नेता जो दिल्ली में बैठते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, लगातार कहते हैं कि ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हिंदू मुस्लिम जातिवाद की राजनीति करती है, झूठे वायदे करती है, हमारी सरकार आएंगे तो हम इससे बहुत ही बेहतर करेंगे, तो आपको क्या लगता है कौन इस देश को, इस प्रदेश को जो है सुरक्षित रख सकता है, कौन पार्टी इस देश को, प्रदेश को जो है और इस भारतीयता को बनाए के रख सकते हैं, कौन लगता है आपको कि कौन सरकार होता है? कि एक आदमी अच्छा काम करता है ना, उसको देख के देख के आदमी सीखता है कि इन्होंने आज इन्होंने अच्छा काम किया है तो हम इससे अच्छा करेंगे। ये उनके दिमाग में पहले से क्यों नहीं आया, पहले से क्यों नहीं आया ये चीज़, पहले से वो चीज़ करते तो ये दिक्कत नहीं आती। कांग्रेस सरकार रहती है अभी तक है या और दूसरी पार्टी रहती, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने काम अच्छा मौका मिला करने को, और मौका देना चाहिए और इससे अच्छा करें, मेरी राय ये है। बाकी जनता की क्या राय है जनता ने, और मुख्यमंत्री क्या लगा आपको कि लगातार ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए कि शिवराज जी हर मन से जो है बहनों की बात करते हैं, भांजी की बात करते हैं, लाडली बहना की बात करते हैं, क्या लगता है? उन्हीं की वजह से हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, वो तो आगे हैं। अभी तक पेंशन कौन दे रहा था उनको? कोई सरकार आई इससे पहले नहीं आई। बैंकों में जाओ आप, लाइनें लगी हैं, चक्कर काट रहे हैं, पेंशन आ रहा है नहीं आ रहा है, ये पिछले 4 महीने से कंटिन्यू पैसा आता रहा है बहनों के लिए। वो किस जिन लोग के पास 1 रुपये नहीं आता, उनके पास 1000 रुपये आ रहा है, कैसे आ रहा है? वो सुरक्षित तरीके से आ रहा है, बस मैं यही कहूँगा। अब मैं तो मुख्यमंत्री आप किसको देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री मैं शिवराज सिंह को देखना चाहूँगा, बस। बहुत बहुत धन्यवाद।